गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास 8। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज 6.1, पेज नंबर 96। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एंड आई होप यू बेटर अंडरस्टूड इट। Now we are starting exercise 6.1. Please open your book and see, it's very simple. मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे इनके important concept समझाए थे, आज उन्हीं को हम यूज करते हुए स्टार्ट करेंगे। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर ये जो नंबर दिए गए हैं तो इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। फर्स्ट है 81, तो सबसे पहले अगर आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेटे मतलब क्या है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से, तो 1 बन गया 1, मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 1 यूनिट डिजिट। आपको क्या बताना है, ओनली यूनिट डिजिट। तो पहले मैं इसका पूरा आंसर ये एक्सरसाइज आके लिख देता हूं, एंड पेज नंबर एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 96। देन 81 1 बन जाए 1 8, 1 8 जाए 8, बन जाए 8, 8 8 जाए 64, so 6561, so what is its unit digit, 1, unit digit is 1, so unit digit is equal to 1। अब आगे सब कुछ चलेंगे। यूनिट डिजिट तो समझते हैं ना, सो देखो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। इस तरह हम डायरेक्ट आंसर आप सबके लिखेंगे। तो आप केवल पूरे 81 को 81 से मल्टीप्लाई करने की बजाय यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है आपका 272, दिस टू यूनिट डिजिट, that means 2 multiplied by 2 कर ले is equal to 4, यही unit digit होगी। आ गया समझ में, अब ये short form बता दिया मैंने, got it, unit digit थी अपने पास 2, तो unit digit को ही multiply। इसी तरह third and rest of the sum you will do, last sum down, third है आपका 799, तो हम यूनिट डिजिट को ही यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 81, तो 81 का क्या आएगा, 1 यूनिट डिजिट 1, गॉट इट। यही बताओ सारे सम करना आपको इस तरह लिखना, अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। ओरल में बता देता हूं, थर्ड में है, फोर्थ में 3, ये डिफरेंट डिजिट है इसका, आप लोग देख लीजिए फोर्थ का 3। तो यूनिट डिजिट ऑफ कोर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 3853, तो यूनिट डिजिट है अपना 3, दैट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 9 इज द यूनिट। वेरी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the following numbers are obviously not perfect square, give reason। देखिए 1057, 23453, तो आप कैसे बताएंगे, इसमें पहले यदि अभी जो नीचे दिए गए नंबर वो निश्चित ही जो है
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है तो आपको उसका आंसर लिखना है। तो अपन आंसर लिख देते हैं, दीज नंबर्स एंड विथ, या पहले तो लिख देते हैं गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज these numbers, these numbers end with, these numbers end with, अब आप हर नंबर में के एंड में क्या है आपको मालूम है ना, हमने वन से एन तक का स्क्वायर लिखा था, और जीरो नंबर के वंस वंस में, ऑड नंबर में जीरो या तो वन जीरो या 3-0 ऐसे होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यूनिट डिजिट में, ये यूनिट डिजिट है, क्या बता रहा है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में 0, 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 ये होंगे, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं उनके यूनिट डिजिट में यही दिया है, जैसे फर्स्ट सीरीज में 7, तो अब मैं सबके लास्ट लास्ट नंबर लिखना देखकर, यहाँ 1057 है तो इसमें 7, सेकंड में 3, विथ अब हम लिख रहे हैं फर्स्ट 7, सेकंड नंबर के एंड में है 3, थर्ड नंबर के एंड में यूनिट डिजिट है 8, फोर्थ नंबर की यूनिट डिजिट 2, फिफ्थ नंबर की यूनिट डिजिट 000, ऑड नंबर में 0 है ना, इसलिए ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7 अगर किसी के एंड में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 6, 2, 7, 000 and 8, 10 इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, कुछ नंबर दिए हैं तो आपको बताना है कि किन नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होता है, जैसे 3 का स्क्वायर करा तो 3 3 9 9 आया, 9 का स्क्वायर करी आप तो 9 9 81 वंस में 1 आया, तो ऑड नंबर, तो जो जो ऑड नंबर है उनके स्क्वायर ऑड नंबर ही होंगे। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से ऑड नंबर दिए हैं तो वो हम लिख देते हैं, और आपने देखिएगा कि हमने यहाँ लिखा था वही नंबर है वंस में, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे। अब थर्ड क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, तो ऑड नंबर वाले नंबर ले लीजिए क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा था, द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑड नंबर, देन फर्स्ट 431, क्योंकि ऑड नंबर 2 से नहीं डिविजिबल है दीज नंबर्स आर। अब सेकेंड तो वंस में इवन नंबर है इसलिए वो उसका स्क्वायर ऑड नंबर नहीं हुआ, थर्ड का स्क्वायर ऑड नंबर होगा, थर्ड के डिजिट है अपने पास 7779, एंड फोर्थ में वंस डिजिट 4 है तो वो ऑड नंबर स्क्वायर नहीं होगा, उसका इवन नंबर। मतलब आपको एक बार और समझ में आया, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा। थर्ड इज ओवर, तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर है कि इनका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पैटर्न दिया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब आप देखिए, आपको दिया है 11 का स्क्वायर 121, ऐसा दिया ना, 101 का स्क्वायर 10201 एंड 1001 स्क्वायर इज इक्वल टू 1100,000, 10 लाख 2000,
1001 का स्क्वायर आपको दिया है 10 लाख 2001 और 101 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा आपको 10201 10201। अब थर्ड में दिया है आपको 1 lakh 1 का स्क्वायर 1 lakh 1 lakh 1000 10000 100 10s and 1s स्क्वायर होगा इज इक्वल टू। अब आप देखिएगा यहां 1 के बाद 2 जीरो है देन 2 फिर 2 जीरो एंड देन 1। अब यहां 1 के बाद कितनी जीरो है 1 2 3 4 तो हम 1 के बाद लिखेंगे 1 2 3 4 जीरो एंड देन 2 then 2 and here 1 2 3 4 and then 1। यहां पर 101 में 10 आएगा बेटा, ठीक। तो ये आंसर अपना हो गया, जितनी जीरो है पहले 1 लिख के उतनी जीरो लगा दो, फिर 2 लिख दिए जी, फिर उतनी जीरो लगा दी फिर 1। अब आपको इसमें लास्ट पूछा है how many zeros are there, we count them, one two three four five six and one then one two three four five six and two ये पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पैटर्न दिया है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो आपने समझ लिया कि जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दीजिए, टू लिखिए फिर उतनी जीरो लगा के 1 लिख दीजिए, हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब 5th का पैटर्न समझ लीजिए, वो भी बहुत सिंपल है 5th क्वेश्चन, और ये सब भी हम रफ कर दें, फिर कॉपी में करना है, पैटर्न केवल बुक में रहेगा। तो एक काम करेंगे बेटे, पैटर्न को मैं स्कूल में समझा दूंगा, अपन टाइम नहीं लगा के वैसे, चलो आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, ये सब क्या आप में नोट करना है, क्वेश्चन है इंप्लॉय ना बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 का पैटर्न देखिए ना, 11 स्क्वायर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 देन 101 स्क्वायर इज इक्वल टू 10,201 then 10,101 square 10,101 square is equal to इसने लिखा है आपके पास 10, 20, 30 and 201 आला समझ में। अब इसमें लिखा है 1 lakh 10,101 square तो अब इसको हम लेंगे 10, 20, 30, 40 and then 30 and 201 then उसके बाद हमारे को दिया गया है, आपको इधर आंसर दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 के बाद आपको दे दिया है 50, मतलब इसमें 01 वो लग जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको आपको समझना है, दिस इज ओवर, ये बुक में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बुक में लिखना है।
बट पैटर्न जरूर समझिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। सिक्स वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टीन स्क्वायर। देन फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस, और यहां पर हमने पूछ लिया इसे कि क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू ट्वेंटी वन स्क्वायर। एंड नेक्स्ट फाइव स्क्वायर प्लस हियर वी विल राइट एंड हियर इज थर्टी स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी वन स्क्वायर। And now 6 square plus 7 square plus here we will write and there should write. अब आपको मैं पैटर्न बता देता हूं कि बहुत बढ़िया पैटर्न है इसका, इसलिए मैंने आपको बोला है। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये पैटर्न मुझे बता रहा है कि इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू होता है 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई आता है थर्ड डिजिट में 14, और इस थर्ड डिजिट से 1 प्लस करेंगे तो यहां आएगा 3 प्लस, ये पैटर्न है। अब 2 3 का 6 6 का स्क्वायर और 6 प्लस 1 7 3 4 का 12 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13 देन 4 5 का 20 मींस 20 स्क्वायर एंड 20 प्लस 1 इज 21 स्क्वायर। अभी 30 आ रहा तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करें 6 का, 5 6 का 30 30 स्क्वायर एंड 30 प्लस 1 इज 31 स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 7 का 42 स्क्वायर 42 प्लस 1 43 स्क्वायर, आया मजा, इट्स वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ लीजिए, इट्स वेरी गुड, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पहले ही समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव गिवन विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब आपको बगैर एड के सम फाइंड करना, फर्स्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 तो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, इन सब को काउंट कर लीजिए आप और उसका स्क्वायरिंग का सम होगा 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू 25। यू अंडरस्टैंड, इन सब को काउंट किया हमने, sum of all observations जो कि 5 और 5 का स्क्वायर कर दो 25। similarly second, अब आपको मैं ये नंबर नहीं लिख रहा हूँ, आपको केवल काउंट करना है, तो सेकंड में काउंट करिए अपनी बुक में कितने नंबर है, तो सेकंड में जब आप काउंट करेंगे तो वो है पूरे 10, कितने आ रहे हैं काउंट करो तो सेकंड में, मतलब 9 के बाद आ गए 9 तक तो दी गई है, फिर 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 तो वो 5 और ऐड हो गया तो 10 हो गया, तो मींस 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मींस उनका सम होगा 100। ये तो सेम है, फिर प्लस ये यहां तक आ जाएंगे, उसके बाद प्लस भी लिख रहा हूं आगे जो इसमें दिया था हमने 9 के बाद 11 13 15 17 19 11 13 15 17 और 19 यानी 1 2 3 4 5 5 ये थे 5 ये थे 5 प्लस 9 10 10 का स्क्वायर हमने थर्ड में देखिएगा, थर्ड में 19 के बाद ये पूरा 19 तो है प्लस कितना आगे गया है 19 के बाद गया है आपका 21 प्लस 23 तो
अब देखो 10 तक तो 19 हो गया था, 11 12 यानी कि 12 मींस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, दैट्स ऑल। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। आ नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अब आपको इधर नंबर दिए हैं जैसे 25 दिया, ऐसा 49 दिया, सम ऑफ 7 ऑड नंबर वन से स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी चलेगा, तो 1 से 7 तक कहाँ जाएगा, 9 के बाद, 9 के बाद 13 तक आएगा, 9 तक 5 हो गया और ये 6 7 1 plus 2 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 1 2 3 4 5 6 7 okay 7 out of number. This is first. Second, after 49 we have given 121, then 1 plus, ये इसका स्क्वायर है 11 का, तो 11 का जाएगा, तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13, ये अपने 7 तक हो चुका है, अब 4 और जोड़ना है, plus 15 plus 17 plus 19 एंड प्लस 21 गिन लीजिए 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिस इज ओवर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फर्स्ट मैं करके बताता हूं आपको रेस्ट ऑफ सम यू टू डू ये फेल कॉपी में नोट करना है मैं रफ कर रहा And now I am going to explain the question number 9, the last question of this exercise. Okay, beta? So, question number 9, please see. 9 ka first, 12 and 13. Aapko ye batana hai, question mein kaha ki in dono number ke square ke beech mein kitne number aate hain? Then first, square of 12. Means 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर मींस 169 सो देयरफॉर अब इन दोनों के बीच में बताना आपको 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5 6 माइनस 4 इज 2 1 minus 1 is 3. 25 numbers आएंगे. मतलब 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? 25 numbers. इसी तरह आपको सेकंड और थर्ड करना है. दोनों नंबर के स्क्वायर करके डिफरेंस फाइंड कर लीजिए. The exercise 6.1 is over. बेटा, you have to note this exercise in your spare copy. And if you understand, then write in comments. Yes, sir, I understood. और सारे बच्चे अगर लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है ये लाइक का उद्देश्य क्योंकि इतने लाइक्स आ जाएंगे मतलब इतने स्टूडेंट हैं थैंक यू